फ्रेंड्स और भाई से भी मिल लिया है, भाई आ चुके हैं और भाभी से मिलने फिर जाएंगे थोड़ी देर बाद। हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई, आज है रिहान का बर्थडे, तो बर्थडे बॉय बैठा है पीछे और हम लोग भी कुछ तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, है ना। कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, भाभी से मिल रहे हैं। रिहान के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग थके हुए हैं ना, बहुत आ गए, वो बहुत बड़ी बात है। हाँ तो हम लोग मना लेंगे रिहान को, मेन है कि हम उसे बर्थडे गिफ्ट दिलाने ले जाएंगे। हम मैक ड्रीम पिज्जा खाने बैठ गए, आओ आओ बिरयानी बनाई है। हाँ, नहीं हम हमने कहा पिज्जा खाने बैठ गए, भैया रास्ते से सीधे आए हैं, जो आपने इससे ला के दिया था भाई, अच्छा लग रहा है ना, पसंद अच्छा पहने। वालेकुम अस्सलाम, अम्मी क्या आपने मंगाया है, बोरिया लेके आना पड़ा हम लोगों को, हम थोड़ा लाए अम्मी। हाँ हाँ ठीक है, वो लोग ज्यादा दे रहे थे, हमने करना है, इतना तो बहुत है। ऐसे वो पुराने जमाने वाला फील आ रहा था, मोदा से लोग बोरिया भर के सामान लाते थे, याद करो भोपाल में। हाँ गेहूँ सब, ये देखो चिड़िया खाएंगी ना, प्याज और गेहूँ, प्याज और गेहूँ चिड़िया, प्याज क्यों घर की थी ना, सनी के घर पे जो होती ना वाली मंगवाई है पापा इन्होंने, घर की। सबा इब्राहिम और सनी बेबी के NICU से बाहर आते ही बॉम्बे पहुंच चुके हैं, वहां पे वो मिलेंगे शोएब इब्राहिम के जूनियर इब्राहिम से और बहुत खुशियाँ होंगी इब्राहिम फैमिली में। साथ में ही एक और खुशी का मौका था कि यहां पे बर्थडे बॉय के लिए भी ये लोग कुछ करना चाहते थे, तो वो सब भी हम आपको दिखाएंगे। और अम्मी ने बहुत सारे प्याज मंगाए हैं मोधा से और अम्मी भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं। आप भी माशाल्लाह खुश रहिएगा हमेशा और इस फैमिली को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और बहुत सारी दुआएं कीजिएगा।